महानगर में एक बार फिर नकली पुलिस ने असली पुलिस को गुमराह करते हुए महाराजगंज के मोबाइल कारोबारी से गोलघर काली मंदिर के समीप दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। मौके पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। गौरतलब है कि शनिवार को दिन दहाड़े कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलघर काली मंदिर के पास पुलिस बनकर 3 बदमाशों ने महाराजगंज के व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अड्डा बाजार के रहने वाले योगेंद्र नाथ चौधरी पुत्र बुद्धिराम चौधरी की कोतवाली सोनौली में चौधरी मोबाइल शॉप के नाम से दुकान है तथा जरूरत के हिसाब से वह गोरखपुर आकर बलदेव प्लाजा में बाजार करते थे। शनिवार को भी वह बलदेव प्लाजा में सामान खरीदने के लिए आ रहे थे कि जब वह गोलघर काली मंदिर के पास पहुंचे तभी एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर अपने आप को पुलिस वाला बताया और कहा कि आप कीटनाशक दवा लेकर चल रहे हैं, साहब के पास चलिए, बैग चेक कराइए। और 3 लोग बैग चेक करने के नाम पर पीड़ित का बैग छीन कर फरार हो गए जिसमें 1.5 लाख रुपए थे। वही घटना के बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि घटना का खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है तथा आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित योगेंद्र नाथ चौधरी तथा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, बढ़िया है कि सीसीटीवी की गुणवत्ता भी बढ़िया नहीं लग रहा है, चेक कर दिए झोला लेके जाओ।
साइकिल पर रेडी हो गया, बैठा काम हो गया। ये खड़े हैं, अरे ये बैग वाले काम जा रहे हैं। घोड़ा है वहाँ गाड़ी चौधरी किस तरह हुई है पूरा मामला क्या है? और कीटनाशक दवा के विषय में हमको पकड़े हैं और कह रहे हैं बैग में कीटनाशक दवा, और ही लेकर के एक आदमी आया पकड़ा और लेकर गए, तो वहाँ कुछ दो तीन लोग और थे उनके गिरोह के। हाँ सर बताए, पुलिस वाले बताए, हाँ पुलिस वाले, लेकिन वर्दी नहीं थी उनको। 1.5 लाख नौतनवा से अड्डा बाजार। यहाँ पे किस चीज़ की खरीदारी करने के लिए आए? हाँ, किस चीज़ की खरीदारी करने आए थे आप? कुछ मोबाइल लेना था, कुछ कपड़ा लेना था, दे दिए सर को, बता दिए। अच्छा, 1.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी सर क्या है? इसमें यह व्यक्ति महाराजगंज से यहाँ आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए। इस पर कीटनाशक दवाइयों की चेकिंग के नाम पर कुछ युवकों ने इनको रोका और इनका बैग चेक किया, बैग में से इनके पैसे निकाल लिए जो कि इनको पता नहीं चला। और जब वो युवक चले गए तो व्यक्ति ने आगे बढ़कर जब अपना बैग चेक किया तो उसमें पैसे गायब थे। इस पर उन्होंने 112 को सूचना किया और तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। आसपास सीसीटीवी कैमरा दिखवाए जा रहे हैं और जो अन्य अपराधियों के रिकॉर्ड है वो भी चेक करवाए जा रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जी, इसमें कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, उसी से मैच करवा कर हमारी टीम लगी है। जो लोग हैं उनकी शिनाख्त करके कुछ लीड हमको मिले हैं, इस पर शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा।